गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल मटन। तो आप इस तरह ही बना सकते हैं। तो चलो हमें कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे यहाँ पर ये हमने इसके लिए मसाले हैं। तो आप इस तरह सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, उसके बाद में दालचीनी, तेज पत्ता, दो होल चिल्ली, इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची, बड़े इलायची, जीरा, इसको थोड़े इसको भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज प्याज और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो नमक क्या होता है, इसको जल्दी ब्राउन कर देता है प्याज को, थोड़ा तो इसका पानी छोड़ देता है वो। तो इस तरह उसके बाद हम इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसको चलाएंगे। चलाने के बाद इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे, जो इसका एक मॉइस्चर होता है। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटन। तो हमने इसमें मटन ऐड कर दिया है। मटन ऐड करने के बाद हम इसको इसकी भी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। भुनाई करने के बाद उसके बाद हम इसको एंड जो हमारे ये मटन है लहसुन अदरक के साथ, उसके बाद हम फिर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद उसकी फिर भुनाई करते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो हम इसमें उसके बाद हमने टमाटर ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं है, 500 ग्राम है। तो टमाटर को हम भुनेंगे। टमाटर क्या होता है, इसको जो टमाटर का पानी है ये छोड़ देता है। उसके बाद टमाटर भुनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो हमने डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हमें डालेंगे देगी मिर्च पाउडर। उसके बाद देगी मिर्च को भूनेंगे, देगी मिर्च क्या अपना कलर छोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालने के बाद हम उसको भुनाएंगे। भुनाई करने के बाद उसके बाद हम इसको भुनाई करने के बाद हम उसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला के डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा गरम मसाला है होममेड, जो मैंने होममेड बनाया है। तो कसूरी मेथी डालने के बाद उसको भुनाई करें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने उसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। मटन जितना आप इसको भुनेंगे उतना इसका अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। तो गर्म पानी डालेंगे हम इसमें। तो हमने गर्म पानी डाल दिया इसमें। गरम पानी डालने के बाद हम उसको कवर करके उसको पकाते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पर मोस्टली ये हमारे बन के तैयार हो गया है। आपको उसके बाद हमें थोड़ी गार्निशिंग कर देगा धनिया की। तो हमारे वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हमारे रेसिपी आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएंगे। तो फाइनली हमारे यहाँ पर बन के रेडी हो गया, आपको एक बार ज़रूर